ये वाली और ये अब हमारा घर होगा। नमस्ते, मेरा नाम प्रिया है और मेरा नाम सिद है और पिछले 3 सालों से ये हमारा घर है। लेकिन ये वैन हमारे लिए थोड़ा छोटा है। मतलब अच्छा लगेगा अगर हम इसमें एटलीस्ट खड़े हो पाते, पर पिछले 3 सालों से ये बहुत अच्छा घर रह चुका हमारे लिए। और जैसे आप सबको पता है, इस घर में हमारा किचन बिस्तर के नीचे है, तो जब बारिश होती है और हवा चलती है, हमारा किचन यूं बंद हो जाता है और बहुत ठंड होती है यहाँ पे। तो अब आता है हमारी जिंदगी का दूसरा चैप्टर। और अब ये हमारा नया बेड है। Finally, हम अपने घर में खड़े हो सकते हैं। So I've been dreaming about buying a new van for so long now, and it's so exciting that we finally have. But we have been dreaming about it. We have. 3 वर्षा पूर्वी आमी आमची जॉब सर्ली आणि मी वैन मध्ये राहायला लागलो। So 3 years ago, we quit our jobs and moved into a van. ये हमारे लिए बहुत scary decision था और हमारे पास उतने पैसे नहीं थे तब। इसलिए हमने एक सस्ती सी छोटी सी वैन खरीद ली at the time. और वो हमने ली थी $8,000 के लिए। और अब हम अपनी जिंदगी का सबसे और अंटिल दिस पॉइंट ये अब हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होएगा। हमने ऐसा कुछ कभी भी नहीं करा है, बट वी बीन ड्रीमिंग अबाउट इट फॉर इयर्स। ऑनेस्टली आई बीन वॉचिंग वीडियोज अबाउट दिस सिंस आई थिंक 7 साल हो गया है। तो चलो दोस्तों, हम अपने नए घर को आपको दिखाते हैं। चलो तो फ्रंट का पहले दिखाए या पीछे का? पीछे का। पीछे का चलो फिर पीछे का दिखाते हैं पहले। Like, देखो कितनी स्मूथली से खुलता है। आई थिंक मैं इवन एक उंगली के साथ खोल सकती हूँ। और मुझे पता है आप लोग सोच रहे होंगे, अरे यार ये तो बिल्कुल भी खाली है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। और ये खाली इसलिए है क्योंकि हम अपने हाथों से खुद हमारा ये घर बनाएंगे। Oh, it's hot now. इतनी गर्मी हो गई। I'm too excited. तो अभी हमने प्लान सिर्फ अपने दिमाग में कर रखा है, तो थोड़ा सा रफली बता देती हूँ। अब इस वैन में किचन अंदर होएगी, बाहर नहीं होएगी, बिस्तर के अंदर। जैसे आप वैन में आओगे, यहाँ पे एक काउंटर टॉप होगा और यहाँ पे भी एक काउंटर टॉप होगा। ये बेसिकली हमारा किचन होगा। और इस वैन में हमें अपने बिस्तर में बैठ के काम नहीं करना पड़ेगा, एक्चुअल टेबल है हमारे पास। और इस कोने में होएगा हमारा एक टेबल, तो इधर हम बैठेंगे और इस दूसरे साइड पे भी लाइक सीट बैठेगा, मैं इधर बैठूंगी और हम यहाँ पे खाना खा सकते हैं। और अगर आपको ये लाइन दिख रहा है ना इधर, यहाँ पे पूरा काउंटर टॉप होएगा। तो इधर सिंक और यहाँ पे हमारा इंडक्शन कुकटॉप, जस्ट फॉर सेफ्टी हम पूरा इलेक्ट्रिकल रख रहे हैं और नो गैस। और नीचे यहाँ पे एक फ्रिज आएगा और इधर एक अवन, हम अवन होएगा हमारे वैन में। और हम एक पूरा नया फ्रिज ले रहे हैं, हमारा एक्चुअली अब फ्रिज ने भी काम करना बंद कर दिया, तो वो एक बहुत अच्छा अपग्रेड होएगा। और यहाँ पे पूरे ऊपर यहाँ पे कबर्ड्स होएंगे, हम सारा सामान रख सकते हैं इनमें। और इधर एक पूरा लंबा सा कबर्ड, आई डोंट नो व्हाट फॉर, शायद मसाले रखेंगे, मे बी कोट। और इधर मैं जंप करके बेड पे नहीं दिखा सकती, पर यहाँ पे बेड होएगा हमारा। It will be so big, so nice, so comfortable. It will be so beautiful, so elegant, just looking like a wow. I love that lady. I think सब लोग हमारी नकल बहुत करते हैं, तो हम इतना तो कर सकते हैं। हम just बहुत excited है। Okay, और अब हमारे छत पे हम पूरा wood करेंगे और basically theme होएगा white. We like white. White हर चीज को बड़ा दिखाता है, और especially क्योंकि still ये बहुत बड़ा है हमारे लिए, but still छोटा सा घर है, तो हम पूरा white करेंगे। और हम खड़े हो सकते हैं। I can't believe मैंने ये अभी तक नहीं बोला, हम इस वैन में खड़े हो सकते हैं। Like look, अगर मैं चप्पल उतारू ना, I can't even, I can just touch the ceiling. This is amazing. Like सब लोग अपना ड्रीम घर जब सोचते हैं, obviously इससे थोड़ा अलग सोचते हैं, पर मेरे लिए ये हमारा ड्रीम घर है, क्योंकि हम इस घर को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो हमारी पुरानी वैन में नंबर वन प्रॉब्लम मेरे लिए था हाइट। So, जैसे कि आप देख सकते हैं, आई कैन कम्फर्टेबली स्टैंड। माझ्या जुन्या वैन मध्ये आम्ही आसो होतो, कधी कधी आसा। लेकिन काफी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए, तो हम वी अ लिटल बिट नर्वस क्योंकि वी डोंट हैव द एक्सपीरियंस। स्लोली स्लोली बिट बाय बिट हम बिल्ड करेंगे। हम यहाँ एक फैन लगाएंगे ताकि गर्म हवा, ठंडी हवा सब आ सके, और वहाँ पे एक स्काईलाइट होगी ताकि एट नाइट वी कैन सी द स्टार्स। द स्टार गेजिंग विल बी सो नाइस। बट आई एम सो एक्साइटेड दैट आई कैन स्टैंड, आई कैन इवन जंप।
फ्लोर पे थोड़ा इंसुलेशन लगाएंगे और ऊपर से थोड़े लाइट्स और वुड पैनलिंग आ जाएंगे तो हाइट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन होपफुली आई कैन स्टिल स्टैंड. तो यहाँ एक बैटरी होगी, तो यहाँ एक इन्वर्टर होगा, हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सब यहाँ होंगे और छत पे दिस टाइम इंस्टेड ऑफ 110 वाट सोलर पैनल वी विल हैव 300 वाट सोलर पैनल्स. तो इस वैन में सोलर पैनल्स हमारे काफी बड़े होंगे. इट्स अ गुड थिंग वी हैव लॉट्स ऑफ स्पेस हियर. मैं पूरा वैन पे एक रैक था जहाँ हम स्टोरेज रखते थे, लेकिन इस पे नहीं होगा क्योंकि हम चाहते हैं पूरा हमारा स्पेस सोलर पैनल्स के लिए होगा. और सोलर पैनल्स ऑलमोस्ट इतने बड़े होंगे. Oh my gosh. और ऐसे तीन होंगे 200 वाट के. तो यहाँ एक आ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर से अंदर से नहीं लेकिन यहाँ से दिखाता हूँ. सो बेसिकली अराउंड हियर एक होगा, यहाँ पे फैन होगा तो शायद और एक इस डायरेक्शन में जाएगा, शायद इस एक डायरेक्शन में और एक जाएगा ताकि यहाँ एक स्काईलाइट आ सके. लेकिन प्लान्स अभी फाइनल नहीं किए. और फिर हम इतनी अच्छी खासी धूप की मजे ले सकते हैं फ्री पावर के साथ. तो हम मोस्ट लाइकली इस दीवार को भी हटा देंगे ताकि हमें थोड़ा सा एक्सेस हो फ्रंट कैबिन से अंदर आने के लिए. और हाँ, मैं भूल गई, यहाँ पे ऊपर भी जगह है, मतलब ओवरहेड कंपार्टमेंट में, मतलब हम इसमें प्रोबेबली जंक ही रखेंगे, ये इतना टाइट सा कॉर्नर है. और यहाँ पे जो हमारा किचन काउंटर आएगा, यहाँ पे एक सिंक भी होगा. और हमारे पिछले वैन में हमारे पास सिर्फ एक हैंड पंप था और छोटी सी वाटर टैंक थी. यहाँ एक बड़ी वाटर टैंक होगी, वहाँ बेड के अंदर एक इलेक्ट्रिक वाटर पंप, हम सिर्फ टैप ऑन कर सकते हैं और पानी आ जाएगा. और फिर हम बाहर होके थोड़ा सा शावर कर सकते हैं, मतलब अगर बीच गए तो सारा नमक का पानी उतार सकते हैं. या इवन अगर हम एक लंबी सी हाइक पे गए और पसीने आ रहे हैं और गंदे हो गए तो हम बस थोड़ा सा रिंस ऑफ कर सकते हैं. तो एटलीस्ट हमारे वैन में शावर भी होएगा और टॉयलेट का लोकेशन हमने अभी तक प्लान नहीं करा है, शायद इस जगह कोने में रख लेंगे फिर पुल आउट एंड देन व्यू अच्छा लगेगा. इथे बसून मस्त पैकी चहा पी काम करत मस्त व्यू दिसेल. आणि अजून एक खिडकी लावणार आहे, तो इस दरवाजे पे वैसी ही खिड़की यहाँ लगा देंगे ताकि दोनों तरफ से हवा आ जाएगी और व्यूज भी अच्छे दिखेंगे और ऊपर फैन भी होएगा, बहुत अच्छी सर्कुलेशन हो जाएगी. चला आता तुम्हारा आतला दाखवतो. सो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी पुरानी वैन से बहुत ही मॉडर्न है, नई है. इट्स अ मच नाइसर ड्राइविंग एक्सपीरियंस. और ये हमारी वैन 3-सीटर वाली है, तो अगर हम अपने कोई फ्रेंड को बुलाना चाहते हैं वो यहाँ पे बैठ सकते हैं, या हम इसको क्लिपबोर्ड की तरह यूज कर सकते हैं. कप होल्डर भी है, यहाँ पे खाना भी खा सकते हैं. और एक्चुअली हम इस सीट को बदलना चाह रहे थे, मतलब ताकि ये सिर्फ 2-सीटर होए क्योंकि फिर बीच में आप चल सकते हो. बट इस स्पेसिफिक वैन का एक सीट बनता ही नहीं है, आई थिंक एयरबैग्स के कारण है, तो आपको कस्टम बनाना पड़ता है और आई थिंक दैट कॉस्ट $5,000. तो हमने बोल दिया डजंट मैटर, हम इस वैन को 3-सीटर ही रख ले गए. और फिर हम इसको पूरा हटाएंगे और शायद यहाँ से एक्सेस होएगा ताकि हम इसके थ्रू जा सकते हैं. थोड़ा सा छोटा होएगा पर काम चला लेंगे. और हमारा यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरेज भी है, और जैसे पीछे भी दिखाया था यहाँ पे एक्चुअली ऊपर और भी इतना स्टोरेज है. यहाँ पे स्टोरेज, ऊपर भी स्टोरेज, स्टोरेज ही स्टोरेज. और अब हम आपको हमारा रिवर्स कैमरा भी दिखाते हैं. तो चलो दिखाते हैं, रिवर्स में डाल दिया. और ये रही प्रिया. हाय प्रिया. हेलो प्रिया, नाच रही है. What I love about this van, कि इस वैन में क्रूज कंट्रोल है, which is so handy. हम जब लॉन्ग ड्राइव्स हाईवे पे जा रहे होते हैं तो we have cruise control, तो मैं आराम से बैठ के ड्राइव कर सकता हूँ. और अब हम आपके थोड़े से सवालों का जवाब देंगे. सवाल नंबर एक, अरे टॉयलेट कहाँ पे जाते हो? तो शायद ये हमारा सबसे आस्क क्वेश्चन है कि हम टॉयलेट कहाँ जाते हैं हमारे पुरानी वैन में. हमारे वैन में टॉयलेट नहीं है, तो हम यहाँ पब्लिक बाथरूम्स इस्तेमाल करते हैं. तो वी आर इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पब्लिक टॉयलेट्स बहुत ही क्लीन है, बहुत ही अच्छे और देर अवेलेबल एवरीवेयर. हमारे पास ऑल्सो जिम एक्सेस है, जो 24/7 जिम्स है और उनके ब्रांचेस सभी लोकेशंस पे है. तो हम वहाँ पे नहा लेते हैं, जिम चले जाते हैं, टॉयलेट चले जाते हैं और वहाँ पे हेयर ड्रायर्स भी होते हैं, बॉडी लोशन, शावर जेल, शैम्पू, सब कुछ होता है. तो सब फैसिलिटीज होते हैं. अदर देन दैट हम समुद्र में नहाते हैं एंड हर बीच पे यहाँ एक शावर भी होता है, सो वी यूज आउटडोर शावर्स. और हाँ, हम पार्क करते हैं एक टॉयलेट के पास जो हमेशा ओवरनाइट पब्लिक बाथरूम ओपन रहता है, हम उसके आसपास पार्क करते हैं तो ताकि रात को जब जाना पड़ेगा और जरूरत पड़ी तो हम जा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. और ये सारे सवाल हम इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, तो प्लीज इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करना.
और अगर आपके पास कोई भी और सवाल है इस वीडियो पे कमेंट करना और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. ओके नेक्स्ट कमेंट. आप दोनों कहाँ से हो? तो मैं हरियाणा. वेल दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. मैं ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुई हूँ. मेरे पेरेंट्स इंडिया से ऑस्ट्रेलिया आए हैं. यहाँ पे सिर्फ मेरी भौजी रहती है और मेरे कजिन्स, पर उसके अलावा सारे मेरे फैमिली इंडिया में है. तो मेरी मम्मी गुड़गांव से है और मेरे पापा रोहतक से है, तो दोनों हरियाणा से है. तो मैं एक्चुअली आई वॉज बोर्न इन इंडिया, सो मेरी फैमिली माई पेरेंट्स पुणे से है, लेकिन मैं सिर्फ 10 महीने का था जब मैं मेरे पेरेंट्स ऑस्ट्रेलिया आए थे. सो आई एम ऑल्सो रेज्ड इन ऑस्ट्रेलिया. माई पेरेंट्स आर फ्रॉम इंडिया. मेरे सब जो कजन्स है वो इंडिया में है, इसलिए सिद को मराठी आती है. हाँ, इसलिए मुझे मराठी आती है. घर पे आई बाबा के साथ मैं मराठी में बात करता हूँ, तो मेरी मराठी अच्छी है. हिंदी कभी बोला नहीं, लेकिन हिंदी पिक्चर देखे, हिंदी थोड़ी सीखी है, तो आती है. इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ जितना कि मैं इंग्लिश या मराठी में. मी आता प्रियाला थोड़ा थोड़ा मराठी शिकवतो है. तिला थोड़ा समझते मराठी, पण जास्त बोलत नाही. आता प्रिया एक डायलॉग मराठी मध्ये बोलेल. मला मराठी येत नाही. काय डायलॉग आहे? वैसे तो मुझे मराठी 70% समझ में आती है. तो अगर आप जैसे सिर अपने मम्मी पापा से मराठी में वो बात करता है, मुझे पूरी समझ में आती है, पर मैं मराठी में बोल नहीं पाती. पर हाँ, ये मराठी मुलगा है. आप दोनों वैन में क्यों रहते हो? ये हमारा बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है. हम वैन में इसलिए रहते हैं क्योंकि घरों पे पहिए नहीं होते और घरे हिलते नहीं है. ये घर हम हमारे साथ कहीं पे भी लेके जा सकते हैं. तो हम बहुत सालों से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने का मुझे ये बहुत एक इरिटेटिंग चीज लगती है कि आपको अपना बैग हमेशा पैक करना पड़ता है. मतलब होटल पहुंचे फिर बैग पैक करना, क्योंकि फिर अगले जगह जाना है. जब वैन में होते हो कभी पैकिंग की करने की जरूरत नहीं होती, बस सब कुछ कोई कबर्ड में ठूस दो और चल दो. इसलिए मुझे वैन में रहना बहुत अच्छा लगता है. एंड ऑब्वियसली वैन में रहना थोड़ा सा ज्यादा सस्ता भी होता है. हमें घूमने का बहुत शौक है. घर पे रहने का थोड़ा मजा वैसे नहीं आएगा, लेकिन वैन में रहने का जो मजा आता है वो अलग ही है. और हम जब वैन में रहते हैं बहुत आउटडोर्स रहते हैं, मतलब स्विमिंग जाते हैं, हाइकिंग जाते हैं. थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है वैन में रहने की, मतलब टॉयलेट शावर, पर उसके अलावा थोड़े से प्रॉब्लम है वैन में रहने के. पर इतनी लंबी सारी लिस्ट है विच मेक्स लिविंग इन अ वैन अमेजिंग. आप दोनों घर कब ले आओगे? अरे ले तो लिया, ये हमारा तो घर है. वैसे घर बना नहीं है, लेकिन अभी ये खाली वैन है, लेकिन घर बन जाएगा. बनने वाला है. 3-4 महीने तो लगेंगे, लेकिन घर बन जाएगा. तो अभी 3-4 महीने के लिए हम एक घर में रहेंगे और फिर वहाँ पे बैठ के ये वैन को बनाएंगे. पर हमारा अभी कोई प्लान नहीं है घर लेने का. यही तो घर है. हाँ. आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है, लेकिन आपके कोई क्वेश्चंस हो तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना या यूट्यूब के यहाँ कमेंट्स पे भी डाल देना. हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे. और अगले हफ्ते मिलते हैं. बाय दोस्तों.